हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन करेंगे ई टू द पावर माइनस टू एक्स इंटू डी एक्स। ओके, इसके लिए मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ माइनस टू एक्स इक्वल टू टी। ओके, अभी मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, क्या होगा यहाँ पर माइनस टू इक्वल डी टी अपॉन डी एक्स। अभी मुझे डी एक्स की वैल्यू चाहिए यहाँ पर, तो इस डी एक्स को इस साइड लेकर आऊँगा मैं माइनस टू इक्वल माइनस टू टू और डी एक्स की इस साइड मल्टीप्लाई करूँगा डी एक्स इक्वल टू डी टी। और अभी माइनस टू है, माइनस टू को मैं राइट हैंड साइड में लेकर आऊँगा तो क्या हुआ डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन टू, ये टू डिवाइड में आ जाएगा और माइनस का साइन मैंने यहाँ लिख दिया है। ओके, तो देखिए ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन साइन e टू द पावर माइनस टू एक्स को मैंने क्या लेट किया है टी, तो इसकी जगह टी रख देता हूँ। और डी एक्स की हमारी क्या वैल्यू है माइनस, डी एक्स की वैल्यू है माइनस डी टी डिवाइड बाय टू। ओके, अभी ये माइनस है, माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ और टू यहाँ पर कॉन्स्टेंट है तो टू को भी मैं बाहर ले लेता हूँ। ओके, इंटीग्रेशन साइन ई की पावर टी इंटू डी टी। ओके, अभी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए ई की पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पर ई की पावर टी का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो ये होता है ई की पावर टी प्लस कोस्टेंट। ओके, तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं हम माइनस वन बाय टू और ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी प्लस कोस्टेंट सी। ओके, अभी ई टी की वैल्यू पुट कर देंगे हम माइनस वन बाय टू और ई की पावर टी, टी की वैल्यू क्या है हमारी माइनस टू एक्स। तो देखिए यहाँ पर माइनस टू एक्स मैंने वैल्यू पुट कर दिया है और प्लस कोस्टेंट सी। ओके, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। थैंक यू, अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।